नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनय आरपी में। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आपको हम एनी डेस्क का आज पार्ट थ्री दे के आ रहे हैं। फर्स्ट टू पार्ट हमारे चैनल पे आ गए हैं, जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो जाके जरूर देखिएगा जी। आपका फर्स्ट पार्ट से कई भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कईयों की सेकेंड से हो जाती है। हमें तो थर्ड पार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, सेकेंड पार्ट से बहुत भाइयों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, पर कई भाइयों की सेकेंड पार्ट से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, फर्स्ट पार्ट से भी नहीं, तो हमें लास्ट थर्ड पार्ट बनाना पड़ा। बिल्कुल लास्ट पार्ट है जी, इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं आएगा। फिर इसके बाद हम चार्जेज जो होते हैं वो लेके ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये लास्ट पार्ट आपके लिए बना के दे रहे हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं होते तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैट का लिंक है, वो आप पे जाइए, उस पर आप एनी डेस्क लिख के भेजिए, आपको हमारी तरफ से अकाउंट डिटेल आ जाएगी, उस पर आप पेमेंट करिए तो आपकी हमारी टीम आपको एनी डेस्क का जो है सोल्यूशन करके देगी। और एक भाई बार बार कॉल करते थे, सभी भाइयों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार हमें कॉल ना किया करें, हमने कॉल करने के लिए तो कोई बोला नहीं हुआ है, हमारी भी कुछ यार प्राइवेसी है तो कॉल करने के लिए मत ही किया करें, कॉल ना ही किया करें, अच्छी बात है जी। व्हाट्सएप में मैसेज करें, व्हाट्सएप आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, व्हाट्सएप पे भी कॉल ना करें, ठीक है ना, सिंपल कॉल करें। सो चलिए चलते हैं जी, हमारे जो है प्रॉब्लम सोल्यूशन किस तरह से करनी है। सो वीडियो शुरू होने से पहले जी अपनी वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब से जो आप क्लिक करते हो तो बेल आइकन जरूर साथ में दबा दिया करें। बेल आइकन जब आप दबाते हैं तो आपके पास एक मैसेज बॉक्स सा ओपन होता है, डायलॉग बॉक्स, उस पर ऑल पे जरूर क्लिक कर दिया करें जी। ऑल पे क्लिक करने से क्या है, जो भी हमारे चैनल पे नए अपडेट आते हैं वो सारे आपको मिलते रहेंगे जी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे आपने एनी डेस्क, पहली बात तो एनी डेस्क आपका यहाँ पे पिन है तो आपने उसको राइट क्लिक करके जी जहाँ से अनपिन कर देना है। फर्स्ट टू पार्ट जरूर देखना है, फर्स्ट टू पार्ट वाली जो सेटिंग है, फर्स्ट पार्ट वाली सेकंड और सेकंड पार्ट वाली सेटिंग जरूर करनी है, फिर ही थर्ड पार्ट वाली सेटिंग करने का फायदा है, नहीं तो फर्स्ट पार्ट से भी कई भाइयों का चल पड़ता है, सेकंड से भी चल पड़ता है, जिनका फर्स्ट दोनों पार्ट देखने के बाद भी नहीं चला है वो थर्ड पार्ट की सेटिंग करेंगे। अगर आपने पिन किया वो सबसे पहले अनपिन करें जी। अनपिन करने का क्या होता है, कई बार डाटा वगैरह कंप्यूटर में आपका सेव रह जाता है, उसके बाद क्या करना है जी, आपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है। कंट्रोल पैनल में जाएंगे जी, इसको ओपन करेंगे, ओपन करके जी अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे। अनइंस्टॉल प्रोग्राम जाने के बाद अगर आपका यहाँ पे आपको प्रोग्राम शो हो रहा है कि आपका एनी डेस्क इंस्टॉल है तो उस पर आपने क्लिक कर देना है, क्लिक करके आपने इसको कर देना है अनइंस्टॉल एंड चेंज वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पर रिमूव कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पे जरूर क्लिक करना है जी, ध्यान से अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपको ये प्रॉपर पूरा अनइंस्टॉल हो जाएगा। ध्यान रखना जी आपका यहाँ पे आपका पिन ना हुआ हो और आपने उसको वहाँ से कंट्रोल पैनल से अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद आपने विंडो आर की दबानी है, विंडो की और आर की, अब तो आपकी रन कमांड खुल जाएगी। यहाँ पे आपने टाइप करना है जी परसेंट ऐप डाटा परसेंट, ठीक है जी, इस पर आपने एंटर कर देना है तो आपके पास इस तरह से जो है फोल्डर खुल जाएगा जी। इस पर भी आपको एनी डेस्क दिखेगा, इस पर भी क्लिक करके आपने शिफ्ट और डिलीट बटन से इसको परमानेंट डिलीट दबा देना है, शिफ्ट की और डिलीट की। आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, यस, शिफ्ट और डिलीट दबाएंगे तो वही परमानेंट डिलीट होगा, नहीं तो ये आपके कंप्यूटर में फिर भी रिसाइकल बिन वगैरह कहीं ना कहीं पर स्टोर रहेगा। ये दोनों सेटिंग हो गई जी, आपने कंट्रोल पैनल से भी डिलीट कर दिया, वहां से भी डिलीट कर दिया। ये करने के बाद जी आपने एनी डेस्क को दोबारा इंस्टॉल कर लेना है, जो लेटेस्ट वर्जन है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जैसे हमने सेटिंग बताई गई है वो दोबारा कर देनी है। वो करने के बाद आपका 99% चल पड़ेगा जी। फिर भी कई भाइयों का नहीं चलता है तो क्या होता है जी, आप अपना इंटरनेट वगैरह चेंज करके देख लिया करो। आप क्या होता है, कई बार कुछ वाईफाई ऐसे होते हैं, अभी 5G या 4G आ गया है तो नेटवर्क इशू आ जाता है, जिस वजह से अपना उसको प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिल पाता है एनी डेस्क को, जिस वजह से वो चलता नहीं है। आप अपने जो आपका मोबाइल फ़ोन है उस पर आप वाईफाई नहीं कनेक्ट करना है जी, आप अपने फ़ोन के डाटा को ऑन करके उसका हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके देखिए आपका एनी डेस्क चल रहा है, या कोई अपने फ्रेंड वगैरह जो कलीग के घर पे जाके या कोई ऑफिस वगैरह जाके देखिए कि उसके वाईफाई से कनेक्ट करके देखिए अपने पीसी को, उसके पीसी से आपका एनी डेस्क चल रहा है। ये तीनों पार्ट की सेटिंग करने के बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो जी आपका मेन तो इंटरनेट की प्रॉब्लम है। फर्स्टली मैं आपको यही बोलूँगा कि आप बार बार कोई ना कोई किसी और का इंटरनेट चेंज करके देखो। इंटरनेट चेंज करने से भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है जी, ये सारी सेटिंग करने के बाद एक बार आप पीसी को रीस्टार्ट जरूर करें। रीस्टार्ट करके प्लस आपका
ये सारी सेटिंग करके प्लस आपके इंटरनेट चेंज करके फिर भी नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो आप हमें जी डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है उस पर आप जाएं, हमें मैसेज करें, तो हमारी टीम जो भी उसके चार्जेस वगैरह वो आपसे लेगी। तो आपको टीम व्यूअर नाम का रिमोट सॉफ्टवेयर होता है, टीम व्यूअर क्विक स्पॉट, उसका आप हमें आईडी दे देंगे, उससे क्या है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हम करवा दी जाएगी। सो प्लीज़ बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप फ़ोन ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमें टीम व्यूअर क्विक स्पॉट की आईडी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेज दें कि सर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, टीम व्यूअर क्विक स्पॉट की हम आपको अकाउंट डिटेल भेजेंगे, उसमें आप पेमेंट करिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है ठीक है जी, तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होती है उसमें से जितना शेयर होगा, हम ऐसे नहीं कि सारा शेयर ही आपका रख लेंगे, उसमें से कुछ 50% 75% 90% शेयर आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई हम सारी अमाउंट रखेंगे, उसमें से कुछ अमाउंट आपको रिफंड भी कर दी जाएगी। हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको ले लिया और अपना नाम खराब करेंगे। विनय ERP बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, हमारे पास हर टाइप के बिजनेस के लिए GST ERP सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी भी टाइप का आपको स्कूल का, कॉलेज का, होटल रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अगर आपने हमारे साथ बिजनेस भी करना है, आपको हम समझाएंगे किस तरह से आप हर महीने 20,000 से 25,000 कमा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई आप फ्रीलांसर हैं, किसी भी टाइप का आपका स्टडी किया हुआ है, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल या मैसेज करिएगा जी, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। आज के लिए इतना ही, बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिए जी, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू जी, शुक्रिया।